हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉपर पॉइजनिंग के बारे में तो टॉक्सिक फॉर्म्स ऑफ कॉपर की बात करें तो चार टॉक्सिक फॉर्म है सबसे पहला कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन होता है जिसको हम लोग ब्लू वेट्रियल भी कहते हैं दूसरा होता है कॉपर सब एसिडेट जिसको हम लोग वर्डिग्रीज भी कहते हैं तीसरा होता है कॉपर आर्सिनेट जो कि होता है शेल्स ग्रीन चौथा होता है कॉपर एसिटो आर्सिनेट या जिसको हम लोग पेरिस ग्रीन भी कहते हैं सबसे पहले आप ब्लू कलर का क्रिस्टल जो देख पा रहे हैं ये कॉपर एसीटेट है दूसरे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये कॉपर सब एसीटेट है तीसरे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये कॉपर आर्सीनेट है और चौथे पिक्चर में आप ये लाइट ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये कॉपर एसिटो तो आर्सिनेट है जिसको हम लोग पेरिस ग्रीन भी कहते हैं बात करें कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग की तो ये एक एक्सीडेंटल पॉइजन है और बच्चों में काफ़ी कॉमन है जब कॉपर सल्फेट को कंज्यूम कर लिया जाता है तो कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वो है पेन इन माउथ थ्रोट चेस्ट एबडोमिन एक्सेट्रा इंक्रीज सलाइवेशन हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग टाइलिज्म भी कहते हैं ये हमें ओपीसी पॉइजनिंग में भी देखने को मिलता है जो कि है इंक्रीज सलाइवेशन ग्रीनिस यू इंट्रैक्टेबल वोमिटर्स भी देखने को मिलता है जिसमें अटॉपसी शोज ब्लू ग्रीन स्टेनिंग ऑफ स्टमक म्यूक्यसा बात करें ऑन सिस्टमिक एब्जॉर्बन की तो फॉलोइंग फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वो है हीमोलाइसिस इट इज़ प्री डोमिनेंट फीचर ऑफ कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग इट रिजल्ट इन हीमोग्लोबीनिमिया हीमोग्लोबिन यूरिया एक्सेट्रा लीवर फीचर्स लीवर फेलियर फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि इक्टरस एक्सेट्रा किडनी भी अफेक्टेड होता है जिसके कारण ओलिग यूरिया एन यूरिया ये भी देखने को मिलता है और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग का तो रीनल फेलियर भी हमें देखने को मिल सकता है बात करें ट्रीटमेंट की तो सोर्स को रिमूव करेंगे गैस्ट्रिक लवाज का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि इंसान पहले ही वॉमिटिंग कर चुका होता है तो कॉपर बाहर आ चुका होता है डी पेनासिलेमीन यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेटिंग एजेंट है एल पेनासिलेमीन नहीं यूज़ होता है क्योंकि ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है बात करें क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग की तो ये इट इज़ इट कैन बी ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड वाटर और फूड कुकिंग इन अनकोटेड कॉपर यूटेंसिल्स एक्सेट्रा जेनेटिक डिजीज लाइक विल्सन्स डिजीज क्लिनिकल फीचर्स की बात करें क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग में तो चाला कोसेस ऑक्यूलाई यानी डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन आइस देखने को मिलता है केफ रिंग देखने को मिलता है जो कि है डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन डेस्मेंट्स मेम्रेन सनफ्लावर के अट्रैक्ट ड्यू टू सबस्कैपुलर डिपोजिशन ऑफ कॉपर इनाइस इन लेंस वाइन यार्ड स्प्रेयर्स लंग डिजीज भी हमें देखने को मिलता है कॉपर सल्फेट जो होता है वो ग्रेप यार्ड में एज अ स्प्रे यूज़ किया जाता है तो जो ये ग्रेप यार्ड में काम कर रहे होते हैं वो ये स्प्रे यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट का और उनको ये वाइन याड स्प्रेयर लंग डिजीज़ हो जाता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो लोग ये काम करते रहते हैं तो क्रोनिक एक्सपोजर के कारण ऐसा होता है विक्टिम प्रेजेंस विद इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस डिस्निया भी देखने को मिलता है और ये कार्सिनोजेनिक भी है नेचर में ये आप देख सकते हैं चालकोसिस ऑक्यूलाई यानी कॉपर डिपोजिशन इन द लेंस बात करें विल्सनस डिजीज की तो ये भी देखने को मिलता है क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग में इट इज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन कॉपर मेटाबॉलिज्म इट इज ऑटोसोमल रेसिसिव डिसऑर्डर पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीचर्स ऑफ हिपैटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन ग्रीनिशर एक ऐसा चीज है जो हमें कॉपर पॉइंजनिंग के साथ देखने को मिलता है कॉपर सल्फेट इज यूज एज एलगी साइड इन स्विमिंग पूल्स जब भी स्विमिंग पूल्स आपने देखा होगा तो उसका गंदगी साफ करने के लिए काफी सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनमें से एक कॉपर भी है जिसको एलगी साइड की तरह यूज किया जा रहा है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ दिस एक्सटर्नल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर द पेशेंट में प्रेजेंट विद ग्रीन कलर डिस्कलरेशन ऑफ हेयर तो ये भी हमें देखने को मिलता है उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें